नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अपराध शाखा दोहा थाना प्रताप नगर पुलिस की टीम ने दूसरे राज्यों में पोर्टल पर फर्जी ई रवाना बिल तैयार करके अवैध माइनिंग को अवैध दिखाकर सप्लाई करने के आरोप में मुख्य आरोपी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना खिजुराबाद SHO पृथ्वी सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश करके 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसमें और कौन कौन से आरोपी कार्य कर रहे हैं पूछताछ में इसका खुलासा किया जाएगा। 14 सितंबर को खनन अधिकारी राजेश सांगवा ने थाना प्रताप नगर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि MS खालसा स्क्रीनिंग प्लांट देवधर पर फर्जी रवाना बिल तैयार करके अवैध माइनिंग की जा रही है। इस शिकायत पर थाना प्रताप नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश के दौरान मुख्य आरोपी दीपक पुत्र राम प्रसाद निवासी रूपनगर कॉलोनी जगाधरी, अनुज कुमार पुत्र सुरेंद्र निवासी गांव कोटरी जिला सहारनपुर और गुरप्रीत सिंह पुत्र तेजिंदर सिंह निवासी दुर्गा गार्डन जगाधरी को गिरफ्तार किया गया। गुरप्रीत कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। आरोपी अनुज कुमार दलाल का काम करता था, जो विभिन्न फर्मों से संपर्क करके माल बेचने का काम करते थे। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। आरोपी दीपक और अनुज कुमार को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान बिल बनाने का सामान और उपकरण बरामद किए जाएंगे। आरोपी गुरप्रीत सिंह को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दीपक के खिलाफ पहले भी 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 3 मुकदमे धोखाधड़ी के और 1 मुकदमा आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज है। आरोपी धोखाधड़ी के 1 मुकदमे में 2 साल 11 महीने की सजा काट चुका है। बाकी 3 मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव ग्वाली की रिपोर्ट। हमने माइनिंग पोर्टल पर फर्जी ईरवाने जारी करने के संबंध में अपराधियों को पकड़ा है, जिनके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सर, क्या मामला है, कितने मुकदमे दर्ज किए हैं इस मामले को लेकर और कितने लोगों को भी गिरफ्तार किया और आगे क्या कार्रवाई चल रही है? हमने माइनिंग अफसर की शिकायत पर 14/9/22 को एक केस रजिस्टर किया था कि पोर्टल पर फर्जी ईरवाना जारी करके जोन में स्टोन क्रेशरों को दिए जा रहे हैं, जिससे अवैध माइनिंग बढ़ रही है। इस पर माइनिंग अफसर ने 4 केस दर्ज थाना प्रताप नगर में इसी प्रकार की एक्टिविटीज बारे करवाए। क्या कार्रवाई की गई है? हमने इसमें एक दीपक है और एक अनुज है और गुरप्रीत है, जो इससे कंप्यूटर के माध्यम से अपने पोर्टल पर नकली पर्चे डालते थे और स्टोन क्रेशरों को ईरवाने जारी कर देते थे, जिससे अवैध माइनिंग बढ़ रही थी, में गिरफ्तार किया है और वो अपराधी पुलिस रिमांड पर है। हमारे पास पूछताछ कर रहे क्या तरीका क्या सर उसको फर्जी ईरवाना के बिल जो डालने का, फर्जी ईरवाना का जो डाटा डालते हैं, बिल डालते हैं, पर्चे डालते हैं, उसका तरीका क्या है सर? सर कितने का फर्जीवाड़ा सामने आया अभी तक? जो हमने एक केस की मैं बात करूंगा, जो रिपोर्ट ली है हमने, जिसमें अपराधी 204 नंबर केस में गिरफ्तार है, उसमें 1,94,00,000 रुपए का राजस्व का नुकसान करना इस अपराधी द्वारा पाया गया है, जो माइनिंग अफसर ने हमें दी। सर इनका तरीका क्या था, किस तरह से ये रवाने बनाते थे, किस तरह से जारी करते थे, कहाँ के रवाने दिखाते थे? इसमें हमने इससे गहनता से पूछताछ के लिए इसका पुलिस रिमांड लिया है, ये किस प्रकार से एक्टिविटीज करके इंटरनेट पे किस प्रकार से कर रहे हैं, उसमें हम लगे हुए हैं और इसके बारे में डिटेल से हम इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कंप्लीट होने के बाद आपको बताएंगे कि इसकी मॉडियस ऑपेंडिंग क्या है। सर ये जब देखा जाए, जिस तरह से पोर्टल के ऊपर परचेज चढ़ाते हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बिना पोर्टल के ऊपर जो माल चढ़ाना या रवाने चढ़ाना वो संभव नहीं है। नहीं, इस अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में इस प्रकार की कोई बात संज्ञान में नहीं आई है। अगर कुछ इस प्रकार की आएगी तो उसके बारे में कार्रवाई हो। तो क्या कोई पहले भी मुकदमे के ऊपर दर्ज है किस तरह के? हाँ, देश दीपक जो मेन अक्यूज्ड है, उसके खिलाफ पहले भी 3 धोखाधड़ी के और 1 आबकारी अधिनियम का मुकदमा पहले से भी दर्ज है। सर जिस खालसा स्क्रीनिंग प्लांट स्टोन क्रशर जो भी है, इसका ओनर कौन था और क्या इसके भी कर्मचारी साथ में इन्वॉल्व थे? खालसा स्टोन क्रेशर का ओनर जो रिकॉर्ड के अनुसार है वो बाबर है। बाबर अभी गिरफ्तार मुकदमे में नहीं हुआ है, जिसकी तलाश के लिए हमारी टीमें लगी हुई है। इसके अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन जहां जहां भी बढ़ती आगे जाएगी, हम उनके बारे में
तब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? अभी तक हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।